बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम क्लास 9 के सबक जो शिबली नुमा ने लिखा है अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जिसके मुसन्निफ़ शिबली नुमा है, और ये जो लिया गया है सीरत नबी से लिया गया है, उनके सवाल व जवाब करते हैं क्लास 9 की उर्दू की। और उम्मीद है, चूँकि हम अक्सर क्लास में पढ़ लेते हैं, और इसकी पहले तो मैं समझता हूँ ज़रूरी कि कोई भी सवाल याद करने से पहले एक बंदे ने दो तीन मरतबा उर्दू की किताब पढ़ी हो, यानी वो सबक पढ़ी हो पहले। और अगर एग्ज़ाम के लिए 4-5 मरतबा आपने उर्दू की किताब पढ़ी होनी चाहिए, तब आपको सही मानों में उर्दू की तलफ़ुज़, उर्दू की जांच और उर्दू की सब चीज़ें आपको आती होगी। दो नंबर फर्स्ट। दूसरी, जो उर्दू में सरगर्मियाँ होती हैं, उर्दू की सरगर्मियाँ, वो इंतहाई ज़रूरी होती है कि इंसान उसको हल करे। टीचर को भी चाहिए कि वो उससे करवाए। अमेरिका में या ऐसे मुल्कों में उनको सरगर्मियों पे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। मसलन अगर उनको सरकर के बारे में बताया गया तो उनको कहते हैं कि जाओ, मतलब आपने 50 सर्कल की फ़ोटोज़ लेनी है, चाहे कहीं पर भी हो, तो वो ऐसे सरगर्मियों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो लिहाजा हमें भी उर्दू सीखने के लिए सरगर्मियों पे तवज्जो देनी चाहिए। मुसन्निफ़ कहाँ से थे, वहाँ पर अगर आप जा सकते हो, वहाँ पर चले जाए, तो आपकी ज़िंदगी एक इंटरटेनमेंट बन जाएगी आपके लिए। तो हम सवाल जवाब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुतसर जवाबात। सवाल नंबर एक के साथ हवाला लिखा गया है, जो बाकी सवाल के साथ भी तहरीर करना है। अच्छा, अक्सर जो पेपर अच्छे पेपर करने के लिए आपने सवाल के साथ जो है ना, यह हवाला भी लिखना होता है, लेकिन चूंकि ये तो यानी अगर आपने टॉप 20 के लिए अप्लाई करना है तब आपने करना है, क्योंकि ये इतना वक्त नहीं होता कि आप हर सवाल के साथ, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के बाद आपके के साथ आ जाएगा। मुसन्निफ़ ने अखलाक का सबसे मुकद्दम और ज़रूरी पहलू क्या बताया है वाला सबक अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। सिनफ नसर है या क्या है, तो मज़मून है महज सिरत नबी सल्लम से लिया गया है। मुसन्निफ मौलाना शिबली नुमानी है। अखलाक का सबसे मुकद्दम और ज़रूरी पहलू, बकौल मुसन्निफ अखलाक का सबसे मुकद्दम और ज़रूरी पहलू यह है कि इंसान मदाउमत अमल में मुस्तकिल मिजाज हो, और वो मदाउमत उसकी आदत बन जाए, कि इंसान जो अमल करता हो उसमें मुस्तकिल मिजाजी हो। छोटा अमल हो, 2 रकात जैसे मिसाल कुछ भी करता हो, छोटा से छोटा हो, तो वो आप मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप वो करते हो और आपकी आदत बन जाए छोटा से छोटा काम भी। इंसान अपने लिए अखलाक का जो पहलू पसंद करे उस पर हमेशा और मुसलसल अमल करे, कि गोया वो आमाल उससे बेख्तियार अदा होते रहे, उस पर इतना अमल करे कि उससे वो अमाल बेख्तियार अदा होने शुरू हो जाए। यानी अक्सर साइंटिस्ट कहते हैं, जो स्टडीज़ कहते हैं कि 21 दिन तक आपने कोई चीज़ की और मुस्तकिल की, वो आपकी आदत बन जाएगी, लेकिन 21 दिन तक आपके लिए वो आसान होने शुरू हो जाएगी। फिर अगर आपने 90 दिन तक की तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा, आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा, यानी वो आपसे सरजद होगा, आप करोगे नहीं, वो चीज़ आपसे सरजद होगी। तो कोशिश करें कि चीज़ों में मुस्तकिल मिजाजी लाए। साथ में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सनन और हुस्न अखलाक पर हमेशा मदाउमत फरमाई, और बगैर किसी मजबूत रुकावट के इस अमल को कभी तरक नहीं किया। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनत इस्तिकामत हाल और मदाउमत अमल की बेहतरीन मिसाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनन सुन्नत की जमा है।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक पर, अपने सुन्नतों पर मदामत इख्तियार किया और उसको हमेशगी से किया। तो जो भी सुन्नत हमारे पास आए हैं वो है जो है ना मदाउमत की चीज़ है, मुस्तकिल मिजाजी की चीज़ें है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी बैठ के पानी पीना ये भी सुन्नत है, मस्जिद जाने की दुआ, ये सारे जो सनन दुआएं है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल मिजाजी से की हुई है, बगैर किसी बड़ी रुकावट की वजह से, शायद नहीं की हो लेकिन बाकी जो है ना वो किए हुए है। अगर किसी की बात नागवार लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे? नागवार ना खुशगवार अच्छी ना लगती थी। नागवार बात पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में आने वाले लोगों की नागवार और नापसंदीदा बातों को बर्दाश्त करते थे और नापसंदीदगी का इजहार ना करते थे। बुरा लगने वाले बात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में आने वाले लोगों की नागवार और नापसंदीदा बातों को बर्दाश्त करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मजलिस में लोग बैठते थे तो उनके नागवार और नापसंदीदा बातों को वो जो है ना वो बर्दाश्त करते थे, उस पर जो है ना रिएक्शन नहीं देते थे और नापसंदीदगी का इजहार ना करते और ये नहीं कहते कि ये मुझे मतलब ये बात न कहो, ये सब यानी वो नापसंदीदगी का इजहार तक ना करते। बुरी लगने वाली बात को मखसूस शख्स के सामने जिक्र ना करते और ना मजलिस में शनाख्त करके तस्करा करते, बल्कि आम सादिर होने वाली मिसालों के ज़रिए नापसंदीदा बात का इजहार करते। यानी वो जो बात उनको बुरी लगी एक शख्स की तो उनके सामने नहीं कहते कि ये आपने बुरा किया, ये बुरी चीज़ है, और मजलिस में उस शख्स की भी शनाहत नहीं करते, बल्कि आम मिसालों में इसकी ये इस चीज़ को नापसंद करते। यानी मस्जिद में ऐसे कि मस्जिद में लोग बातें करते हैं जो कि एक नापसंदीदा अमल है, तो इस आम मिसालों में वो वजाहत करते ताकि मखसूस शख्स को मजलिस में बेइज्जती और रसवाई का एहसास ना हो। आम मिसालों के ज़रिए नापसंदीदा बात का इजहार करते ताकि मखसूस शख्स को मजलिस में बेइज्जती और रसवाई का एहसास ना हो। आम मिसालों में कह देते कि लोग ऐसा करते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है, ताकि जो शख्स है उसको बेइज्जती भी और रसवाई का एहसास उसको ना हो कि ये यानी उसकी बेइज्जती हो चुकी है और वो उस अमल को दुरुस्त भी कर लेते। मुसन्निफ़ ने आप सल्लम के अहलाक का सबसे नुमाया वसफ किया बयान बताया है, वसफ खूबी खसूसियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलाक का नुमाया पहलू, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हुस्न अहलाक तमाम इंसानों के लिए मशाले राह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है और उसकी जो अहलाक है तमाम इंसानों के लिए मशाले राह है, यानी मशाले राह, राह में जो चराह चराह जिससे आपके लिए रास्ता रोशन हो। लेकिन मुसन्निफ़ के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलाक का सबसे नुमाया पहलू ईसार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे नुमाया पहलू जो मुसन्निफ़ ने जिक्र किया है वो है ईसार, कुर्बानी, कुर्बानी देना। ईसार से मुराद कुर्बानी, दूसरों के नफ़े को ख़ुद से मुकद्दम जानना और उसके नफ़े के हुसूल में अपने अज़ीज़ औलाद को भी दूसरों पर तरजीह ना देना। यानी ईसार दूसरों के लिए कुर्बानी, दूसरों को अपने आप से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाने की सोच और अमल, दूसरे के नफ़े को ख़ुद से मुकद्दम जानना, दूसरे के नफ़े को कि दूसरे को नफ़ा हो तब मुझे नफ़ा पहुँचे, तब मेरा काम हो, और उसके नफ़े के हुसूल में अपनी अजीज़ औलाद को भी दूसरों पर तरजीह ना देना, और इसके हुसूल में अपने जो अपने अपने अकारिब है, अपने अजीज़ लोग हैं उनको भी आप तरजीह नहीं देते, बल्कि आप जो है ना सही फैसला करते हैं, यानी अपने बच्चों को ज़्यादा तरजीह और दूसरों को ज़्यादा तरजीह नहीं देते, तो ये इशार नहीं है, ये इशार में नहीं आता। इशार में ये है कि अपने बच्चों से भी ज़्यादा आप दूसरों लोगों को और सही कामों को तरजीह दें।
जब लोग आप सल्लम की तज़ीम के लिए खड़े हुए तो आपने क्या फरमाया? ये चीज़ है और इस पे जो है ना बहुत सारे आजकल लोग रिसर्च भी कह रहे, बयान भी कर रहे और इनको निशानदेही भी की है कि तज़ीम के लिए खड़ा होना क्या है। लोगों की तज़ीम के लिए खड़े होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल, आप सल्लम लोगों के तज़ीम के लिए खड़े हों, जब लोग आप सल्लम की तज़ीम के लिए खड़े हुए तो आप सल्लम का रद्द अमल किया था। एक मरतबा रसूल पाक सल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो लोग तज़ीम के लिए खड़े हो गए, घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो लोग तज़ीम के लिए खड़े हो गए तो आप सल्लम ने इसको नापसंदीदा फरमाया और कहा, आले अजम की तरह तज़ीम के लिए न उठो, क्योंकि ईरान, रोम और हिंदुस्तान में शहनशाहियत थी और वहाँ के बादशाह मजबूर और महकूम लोगों को अपने सामने सर झुकाने और सजदा रेस होने पर मजबूर करते। और वहाँ के बादशाह मजबूर और महकूम लोगों को अपने सामने सर झुकाने और सजदा रेस होने पर मजबूर करते, यानी वहाँ पर जो मजबूर और महकूम जो एक हाकिम होते हैं और एक महकूम लोग होते हैं उनको सामने सर झुकाने और सजदा रेस होने पर मजबूर करते और उनको, यानी जैसे बहादुर शाह जफर ने अपने जो महल में जाने का जो रास्ता था वो छोटा बनाया था ताकि लोग झुके, लोग झुके, एक महल, सॉरी बादशाह बहादुर शाह जफर नहीं, वो तो शहर थे, एक दूसरा जो अभी दीन इलाही जिसने इंट्रोड्यूस कराई थी, दीन इलाही का जो है ना उसने लोगों में फैलाई थी, एक बादशाह थे मोहल ख़ानदान में, मुसलमान थे लेकिन उन्होंने दरवाज़ा छोटा रखा था ताकि लोग आमने आए और मेरे सामने झुके। तो ये जो है ये इसमें इंतहाई जो है ना ये ग़ुलामी जहन को प्रमोट करता है। कभी भी आपने चाहे आपके वालिद है, चाहे दादा है, चाहे कोई भी है, उनके सामने आपने नहीं झुकना है और चाहे कोई भी बड़ा क्यों ना हो आपने उनके सामने नहीं झुकना है। ये तो किसी भी अजीम उस्ताद के सामने भी खड़ा होना ज़रूरी नहीं है, प्रिंसिपल सब के सामने, चूँकि स्टूडेंट से और इनको उस असातिज़ा के जहनों में डाले, क्योंकि इसी से ग़ुलामी ख़त्म होती है। हम ना असातिज़ा के ग़ुलाम हैं, जैसे अगर सहाबा हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं उठते हैं, नहीं खड़े होते हैं तो दुनिया के बादशाह और इनका हुज़ूर नबी के सामने कद बहुत छोटा है। लिहाजा ये अपने आदत से निकालें ताकि हमारे बच्चों में ऐसे लोग पैदा हो जो कि बहादुर हों और जो है ना ये चीज़ें, ये गुमराही वाले काम हमारे बच्चों में ना हो। जब किसी फसल का नया मेवा आप सल्लम की खिदमत में पेश किया जाता तो आप सल्लम क्या फरमाते? यानी हर वक्त का एक, जैसे गर्मियों में खुबानी जो है ना, आलू और ऐसे हर वक्त का जो एक मेवा होता है तो वो आप सल्लम की खिदमत में पेश किया करते तो क्या करते हुज़ूर नबी सल्लम? रसूल पाक सल्लम की मजलिस में नए मेवे का पेश होना, जब कोई शख्स आप सल्लम की खिदमत में फसल का नया मेवा पेश करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिरीन में सबसे कम उम्र बच्चे को इनायत करते। किसी ने कोई मेवा पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चे को इनायत की, उनको दी। ये उम्मीद है कि इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान होता है, लेकिन चूँकि जब कोई बयान करता है उससे उसमें ताजगी आ जाती है और आसान हो जाता है वो सबक, और मुश्किल अल्फाज मानी भी होते तो वो भी कवर हो जाती। बच्चों से शफकत और मेहरबानी से पेश आते, उनको चूमते और प्यार करते। तो ये है, और ये एक वाकया भी है कि बच्चों को चूमना ये नरम दिल की अलामत है। तरीक़ा तकसीम, आप सल्लम अच्छा तकसीम कैसे करते? आप हुज़ूर नबी सल्लम आप सल्लम फसल का नया मेवा तकसीम फरमाते तो दाएं तरफ से बैठे हुए शख्स को पहले अता फरमाते, अगर कोई बच्चा बाएं तरफ बैठा होता हुआ होता तो पहले उसको अनायत फरमाते, फिर दाएं तरफ बैठे हुए लोगों में तकसीम फरमाते। तो हुज़ूर सल्लम का ये था कि मतलब दाएं तरफ से शुरू करते,
चीज़ें तकसीम करवाना। अगर बाई तरफ जो है ना एक बच्चा बैठा होता है तो पहले उनको हनायत करते और फिर जो है ना दाई तरफ से शुरू करते। ये मतलब ये डिसिप्लिन और ये सब चीज़ों के डिसिप्लिन के लिए और फितरत के लिए दोनों के लिए सही अमल है। जब कभी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो आप सल्लम के पास आती तो आप सल्लम क्या करते? जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो की आमद पर आप सल्लम का अमल। रसूल पाक सल्लम को अपनी औलाद में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो बहुत अजीज़ थी। जब वो आते तो आप सल्लम फ़र्द मोहब्बत से खड़े हो जाते। रसूल पाक सल्लम को अपने औलाद में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो बहुत अजीज़ थी, बहुत प्यारी थी। जब वो आते तो आप सल्लम फ़र्द मोहब्बत से खड़े हो जाते, मोहब्बत की वजह से खड़े हो जाते, मोहब्बत में खड़े हो जाते। इनकी पेशानी को बोसा देते, पेशानी को चूमते और अपनी नशीद गाह से एक तरफ हटकर अपनी जगह बैठाते और जहां हुज़ूर नबी सल्लम बैठे होते वहां से हटकर अपनी बेटी को बैठाते हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो को, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा को। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़र से आमदरफ़्त। जब सफ़र का इरादा करते तो सबसे आखिर में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुलाकात करते और सफ़र से आमद पर सबसे अव्वल हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुलाकात फरमाते। सफ़र में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ रवैया थे कि जब जाते तो सबसे आखिर में मुलाकात करते और जब आते तो सबसे पहले मुलाकात करते हुज़ूर नबी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक आप सल्लम ने क्या फरमाया था? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से आपकी मोहब्बत। रसूलुल्लाह को अपने नवासो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बेइंतहा मोहब्बत थी। अपने नवासे यानी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे खसूसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लम के बहुत करीब थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लम के बहुत करीब थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमा रहे थे, क्या कर रहे थे? खुतबा फरमा रहे थे कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सुरख कपड़े पहने हुए आए, कम सनी की वजह से हर कदम पर लड़खड़ाते जाते। यानी हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर बैठे थे, खुतबा फरमा रहे थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बच्चे थे, छोटे उम्र में थे, सुरख कपड़े पहने हुए थे और यानी छोटे होने की वजह से बचपन का उम्र था तो वो कदम लड़खड़ाते थे, कदम डगमगाते थे, ऐसे हिलने को लड़खड़ाना कहते थे। कम सने की वजह से हर कदम पर लड़खड़ाते जाते। आप सल्लम जबत ना कर सके, मेंबर से उतर गए, उतर कर गोद में उठा लिया। आप सल्लम को ये गवारा ना हो सका कि वो लड़खड़ाए और पाँव लड़खड़ाते थे, तो आप सल्लम मेंबर से उठे, उनको गोद में उठाया और अपने सामने बैठा लिया। फिर फरमाया, खुदा ने सच कहा है, इन्नमा अमवालुकुम वाउलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। यानी उसको उठाया गोद में और ये कहा कि बेशक तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। ये क्या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक आप सल्लम का इरशाद, चूँकि इसमें इतना कुछ है नहीं, यानी मतलब ये बातें जो है ना ये बचपन से हमारे जहनों पे गुजरी है। अगर जुम्मे पे आप जाते हो तो आपके जहन से गुजर होगा, आप किसी लोगों के पास इलम वाले लोगों के साथ बैठे हो तो आपके जहन पर गुजरा होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक आप सल्लम का इरशाद, आपने कई मौके पर फरमाया, हुसैन मेरा है और मैं उसका हूँ, खुदा उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। सिंपल। तो छोटे छोटे चीज़ें अमल करें, यानी हुसैन से मोहब्बत रखें, ऐसे इलम हासिल करें और उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। हज़रत हुसैन सहाबा की इज़्ज़त जहन में लाए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की इज़्ज़त लाए, तो तब आप जा कर के यानी छोटे छोटे सीढ़ियाँ उठाए, हज़रत हुसैन को पढ़े, हज़रत फातिमा को पढ़े, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने के लिए इनको आप स्टडी करें,
तब हुजूर सल्लम के पास पहुँचेंगे तो बहुत जो है ना आपको आपको दीन की जो है ना समर का पत दीन की जो फ्रूट है दीन का जो दिल में जायका है वो आपको पता चलेगा। तो लिहाजा ऐसी चीज़ें करें, दीन की समझ ले, दीन दीन की जो है ना स्टडी करें। अक्सर फरमाते हैं कि खुदाया मैं उसको खुदाया मैं उसको चाहता हूँ और उस मैं उसको चाहता हूँ और उसको भी चाहता हूँ जो उसको चाहे। एक और जगह फरमाया कि ये मेरे गुलदस्ते हैं, यानी मैं उसको चाहता हूँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को, इन दोनों को, और उसको भी चाहता हूँ जो उसको चाहे। मैं उनको भी चाहता हूँ जो उनको चाहे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को चाहे। एक और जगह फरमाया कि ये मेरे गुलदस्ते हैं, यानी फूल का जो गुलदस्ता होता है, जो एक बर्तन होती है उसमें फूल रखे होते हैं। आखिरी सवाल है और इसमें कुछ जुमले भी है, कुछ अल्फाजों के जुमले हैं, तो हम वो भी बनाएंगे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने शोहर को रिहाई के लिए फ़िदिये के तौर पर क्या चीज़ अरसाल की थी? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु भी हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। तो ये चीज़ें जो है ना जहन में, यानी पहले हुज़ूर सल्लम की कितने बीवियाँ थी, कितने ज़ौजा मुतहरात थी, उनके नाम, वो किसके बेटे थे, हज़रत ज़ौजा की ज़िंदगी कैसे गुजरी, तब हुज़ूर सल्लम की ज़िंदगी के बारे में आपको इल्म होगा, उनकी क्या खसूसियात थी। तो ये चीज़ें आपने समझने हैं। और जो भी मुल्क में एक सर्वे पढ़ रहा था कि जिस मुल्क में भी ज़्यादा, यानी ज़्यादा भी अमेरिका, तो अमेरिका में पढ़ाई ज़्यादा होती है, पेजेस, मतलब अमेरिका में दुनिया में सबसे ज़्यादा पेजेस पढ़े जाते हैं, इसलिए वो इतना गए। तो लिहाजा कोई भी किताब, यानी अच्छी किताब वो पढ़े और उनके पेजेस पढ़े, उनके चीज़ें पढ़े, तब हमारा मुल्क ग्रो करेगा। मुल्क को ग्रो करने का सिर्फ आसान तरीका है पेजेस ज़्यादा पढ़े। अमेरिका जो कर रहा है, तो लिहाजा वो इंशाल्लाह हम खुद में जो है ना खुद में वो चीज़ हम मुंतकिल करेंगे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अपने शोहर को रिहाई के लिए फ़िदिये के तौर पर क्या इरसाल किया था, यानी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने शोहर को रिहा करने के लिए क्या चीज़ इरसाल की थी, क्या चीज़ भेजी थी ताकि उनके शोहर रिहा हो जाए, चूँकि वो उनको ग़ज़वाए बदर में जो है ना पकड़ा गया था, और वो उनके रिहाई के लिए आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या चीज़ भिजवा दी थी। हज़रत ज़ैनब के शोहर ग़ज़वाए बदर में कैद होकर आए तो ग़ुरबत के बायस फ़िदिया अदा ना कर सके, चूँकि वो गरीब थे तो फ़िदिया अदा नहीं कर पा रहे थे, तो क्या चीज़ हो गया, क्योंकि फ़िदिया उनसे ले रहा था। ग़ज़वाए बदर का पूरा पूरा नाइन के इस्लामियात में मौजूद है सूरत अनफाल में। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु का फ़िदिया की अदायगी, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़िदिया की अदायगी के लिए अपने गले का हार भेजा, क्या अपने गले का हार भेजा, जो नेकलेस होता है बेच दिया। ये वो हार था जो हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको जहेज में दिया था, ये वो हार था जो हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको जहेज में दिया था। हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु को दहेज में दिया था, और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार देख कर बेचैन हो गए और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु की रज़ामंदी से हार हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु को वापस भिजवा कर बहेर फ़िदिया के इनके शोहर को आज़ाद किया। तो हज़रत हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हार देखा तो वो बेचैन हो गए और हार वापस सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु से इजाज़त ली और हार वापस बेच दिया हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु को, और उसके फ़िदिये के बहेर वो उनको छुड़ा दिया किया। तो जुमले में इस्तेमाल, ठीक है ना, फितरत सानिया जुमले में इस्तेमाल है, रोशनी फुल और खुशबू, जुमले मुकम्मल करिए तो खाली जगह है।
जुमले मुकम्मल करें तो ये है, तो इसको हम मुकम्मल करते हैं ताकि ये भी हल हो जाए। इंसान जिस काम को इख्तियार करे उस पर इस कदर इस्तिक्लाल के साथ कायम रहे कि वो इसकी डेश बन जाए, उसकी फितरत सानिया बन जाए। गोया इससे ये फहाल इस तरह सादे फहाल आमाल इस तरह फेल से निकला है अमल एक्शन इस तरह सादर होते हो जैसे आफ्ताब से सूरज से क्या आता है रोशनी, दरख्त से क्या आता है पल, और पुल से क्या आता है खुशबू। तो ये बहुत अच्छे मिसालें भी है। गरीब से गरीब बीमार होता तुडेश को गरीब से गरीब बीमार होता तो देश को तशरीफ़ ले जाते, किसको तशरीफ़ ले, हयादत को, बीमार पुरसी को उनके हयादत को तशरीफ़ ले जाते। ये जान खुदा ही की देश पर पैदा होती है, ये जान खुदा ही की फितरत पर पैदा होती है, ये जान खुदा ही की किस चीज़ पर, फितरत पर पैदा होती है। दूसरा आप खुद इसमें बरे क्योंकि ताकि आपका इमलत दोस्तों खुदा के नज़दीक तुम्हारे देश ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, तुम्हारे दाम ज़्यादा है। साहिबजादों के हाथ से देश उतार लिए कंगन, ठीक है ना, कुछ चीज़ें आप ख़ुद भी करें, सॉरी कंगन काप नून गाप नून गन कंगन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से हसनैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बेइंतहा मोहब्बती फरमाते थे कि ये मेरे गुलदस्ते हैं, ये मेरे गुलदस्ते। सबसे बसर व चश्म देश किया मंजूर किया, सब ने बसर व चश्म मंजूर किया यानी कबूल किया, मंजूर किया, इजाज़त दी। मंद जज़ेल अल्फाज के मुतरादिफ़, मुतरादिफ़ जिसके माना एक हो, मतलब मकसद एक हो बस माना थोड़ा अलग हो। तो मतानत संजीदगी, मजलिस महफिल बजम, मेवा पल समर, इरशाद हुक्म फरमान, बेहिश्त जन्नत दाम कीमत। तो थैंक यू सो मच। हमने इसमें जो सवालात के कैटेगरी करने हैं क्योंकि अक्सर सवालात पे ज़ोर दिया जाता है, ग्रामर का जो है ना, ग्रामर का एक अलग तरह से सब बयान करेंगे, लिखेंगे और बोर्ड पे करेंगे क्योंकि वो इस पे नहीं हो सकता। तो हम पहले इन सबक को कवर करते हैं, जो भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं और मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगा, आप जो है ना व्हाट्सएप पे या कॉल पे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आप जो है ना यानी आप किताबों को पढ़े, ठीक है, मार्क्स इज़ एक अच्छी चीज़ है लेकिन किताबें जो आपको चीज़ें देंगी वो आप जो है ना आपको कोई और चीज़ नहीं देगी कभी भी। आप अगर आप एक्चुअल में जानते हैं, यूरोप में जाओगे किसी चीज़ में जाओगे तो आपको थाट आएगा कि क्या चीज़ वो वहाँ पर काम करती है। तो सरगर्मियाँ इसमें देखें कि सरगर्मियों में क्या चीज़ लेके क्या चीज़ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आपको इससे कुछ इल्म हासिल हुआ होगा।